हाय एवरीबॉडी, दिस इज़ डॉक्टर राकेश शाह. मैं अटलांटा से बोल रहा हूँ एंड वेलकम टू द मेड टॉक, मेडिकल नॉलेज फॉर एवरीबॉडी. तो आज हम बात करेंगे डी प्रिस्क्राइबिंग. मीन्स आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको दवाई लिख के देते हैं, तो आज मैं दवाई कैसे बंद करने की उसके बारे में बात करूँगा. तो एक नज़रिए से ऐसा लगेगा कि मैं खुद अपने ही पैरों पर गोली मार रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर का काम क्या है, दवाई लिखने का, और मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि दवाई कैसे बंद करने की. तो इसके बारे में थोड़ी बात करनी है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में हम ऐसे बहुत पेशेंट देखते हैं, स्पेशली ओल्ड पीपल की, जो बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं. कई लोग तो यहाँ पे 10-15 मेडिसिन लेते हैं रोज़ की. तो कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या उनको सचमुच में इसकी ज़रूरत है. क्योंकि सी दवाई ऐसी है कि जब चालू करते हैं तो मैरिज के जैसा ब्लिस लगता है, लेकिन जब बंद करने की बारी आती है तो डाइवोर्स के जैसा पेन होता है. क्योंकि पीपल गेट सो अटैच टू द मेडिकेशन कि उनको बंद करने का मन नहीं करता है. कई लोग ऐसे होते हैं कि बोला नहीं, हमको दवाई बंद नहीं करती, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर बंद कर दिया तो कुछ हो जाएगा. तो उसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी देना है कि बंद कौन सी दवाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. क्योंकि जब दवाई चालू करते हैं तो उसका इंटेंशन अच्छा होता है कि भाई रोग जो है उसको वह कंट्रोल करना है, उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करना है या रोग को क्योर करना है. लेकिन जैसे जैसे टाइम चला जाता है तो वह रोग शायद चला गया अलग और उसका ज़रूरत नहीं हो, फिर भी दवाई कई बार चालू रहती है और कोई बंद करने की सोचता ही नहीं है. और जैसे जैसे आपकी उम्र होती जाती है तो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. दवाई आपके शरीर से जो एलिमिनेट होने के जो प्रोसेस होती है वो कम हो जाती है और आपको उसकी साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाती है. और कई दवाइयाँ ऐसी होती है कि जिसकी इफ़ेक्ट जो होती है वो फिर नहीं होती है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट चालू रहती है. तो बहुत सारी मुश्किलें आ सकती है. तो एक के बाद एक मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी दवाई कैसे बंद करने की है. नाउ कई दवाई ऐसी होती है जो बंद करने के लायक नहीं होती है, तो आपको डॉक्टर के कंसल्ट करना चाहिए. क्योंकि ऐसे ही मेरा वीडियो देख के दवाइयाँ बंद मत कर देना, डॉक्टर की एडवाइस ज़रूरी है. क्योंकि अगर आप कई दवाएं सडनली बंद करते हैं तो उसके विथड्रॉल भी आ सकते हैं और उसकी साइड इफ़ेक्ट भी हो सकती है, बंद करने की भी साइड इफ़ेक्ट हो सकती है. तो मेक श्योर कि आप पूरा डिस्कशन करें अपने डॉक्टर्स का. लेकिन ये वीडियो आपको प्रिलिमिनरी जानकारी के लिए है. ओके, चलो तो आगे बात करते हैं. तो ये डी प्रिस्क्राइबिंग किसे बोलते हैं? डी प्रिस्क्राइबिंग वर्ड कहाँ से है? जो पॉलीफार्मेसी बोलते हैं, मीन्स मल्टीपल मेडिसिन लेते हैं उसको पॉलीफार्मेसी बोलते हैं. तो उसके बेस पर डी प्रिस्क्राइबिंग मीन्स जो भी दवाई आप लेते हैं उसको प्लानिंग के साथ अंडर सुपरविजन, डॉक्टर के सुपरविजन में उसका डोज रिड्यूस करने का या कम्प्लीटली स्टॉप करने का. वो मेडिसिन जो मेडिसिन आपको हार्म करती है या कर सकती है, या वो मेडिसिन जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो उसको डी प्रिस्क्राइबिंग बोलते हैं. जो मेडिसिन आपको ज़रूरत है वो बंद करने की बात हम नहीं कर रहे, तो उसको डी प्रिस्क्राइबिंग बोलते हैं. तो उसके लिए हम आज बात कर रहे हैं. अब बात करेंगे स्लीपिंग पिल की. जो भी स्लीपिंग पिल जनरली मिलती है उसका जो लास्ट टू लेटर्स होता है वो AM होता है, जैसे कि क्लोनाजेपैम, लोराजेपैम, डायाजेपैम, PAM. सो कहीं होती है उसका EM में भी होता है, जैसे जोलपीडैम. सो बट मोस्ट ऑफ द स्लीपिंग पिल होते हैं उसका लास्ट टू लेटर्स होता है AM. ओके, तो शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी रहती है, लेकिन आफ्टर 3-4 वीक्स उसकी इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट रहती नहीं है और उसकी साइड इफ़ेक्ट बढ़ जाती है. तो अगर आप स्लीपिंग पिल नींद के लिए लेते हो तो कंटिन्यू रखने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप किसी और रीज़न के लिए लेते हो, जैसे कि कई लोग होते हैं जिसको एंग्जाइटी या डिप्रेशन रहता है, कई लोग सीजर के लिए रहते हैं, एपिलेप्सी के लिए, तो उनको बंद नहीं करनी चाहिए. कई लोग अल्कोहल विड्रॉल कर लेते हैं, जो अल्कोहलिक होता है तो अगर वो अल्कोहल सडनली बंद करते हैं तो उनको खींच आती है एपिलेप्सी. तो अगर उसके लिए लेते हैं तो फिर बंद इमीडिएटली नहीं करनी है. और स्लीप के लिए भी आप लंबे टाइम से ले रहे हो तो उसको अगर आप 18 to 64 के एज के बीच में है और 4 वीक से ज़्यादा ले रहे हैं तो वह उसको धीरे धीरे स्टॉप करनी है, एकदम स्टॉप नहीं करनी है. तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके फिर धीरे धीरे वो स्टॉप कर देनी है, क्योंकि लंबे समय जो स्लीप मेडिसिन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है. आपको फटीग लगता है, गिर सकते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा स्लीप मेडिसिन लेने से तुम्हारा पूरा सिस्टम ऐसे डाउन हो जाता है. तो आई वुड रिकमेंड कि 4 वीक से ज़्यादा मत लीजिए. ओके,
कई बार क्या होता है कि कई पेशेंट को दवाई बहुत साल पहले किसी ने चालू किया, उनको खुद को याद नहीं है कि ये दवाई क्यों ले रहे हैं, और अगर एक दूसरे डॉक्टर ने चालू किया और आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो दूसरे सेकंड डॉक्टर होता है वो पहले डॉक्टर की दवाई बंद करने की कभी सोचता ही नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि उनको लगता है कि वो जिसने चालू किया होगा उसने कुछ सोच के ही किया होगा ना। और हमारी जो मेडिकल की गाइडलाइन होती है उसमें दवाई चालू कब करने की वो लिखा होता है, लेकिन चालू बंद कब करने की उसका क्लैरिफिकेशन कई बार नहीं होता है कि भाई ये अगर कोलेस्ट्रॉल की दवा किया है तो चालू किया है तो इतने टाइम के बाद बंद करने की नहीं करने की कोई ऐसा स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं होता है। तो खुद सब डॉक्टर को अपना खुद का डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई इसको ज़रूरत है या नहीं है। और क्या होता है मोस्ट ऑफ टाइम डॉक्टरों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपके साथ बैठ के पूरा डिस्कस करें बंद करना, क्योंकि लिखना बहुत ईजी है, एक प्रिस्क्रिप्शन पर लिख दिया तो आपको दवाई ले लिया, लेकिन बंद करने के लिए सोचना पड़ता है क्योंकि डर भी लगता है कि अगर बंद किया और कुछ हो गया तो आप हमें सू कर देंगे, तो बोला कि अगर चल रहा मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। तो यही रीज़न होता है, तो आपको खुद को इनिशिएटिव लेना है कि भाई डॉक्टर साहब मुझे ये दवाई सचमुच में ज़रूरी है कि नहीं है, तो वो आपको डिस्कस करना है, तभी जाके डॉक्टर आपके साथ डिस्कस करेंगे, बोले चलो ये बंद कर देते हैं, ओके। तो और सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, एक्चुअली नॉट सॉरी बट आई एम श्योर यू आर एंजॉइंग द बैकग्राउंड साउंड, जो बाहर बारिश हो रही है तो उसकी आवाज़ आ रही है, तो आई एम श्योर इट इज़ एडिंग द मेलोडी टू द डिस्कशन, ओके। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ डायबिटीज़ के लिए, दिस स्पेसिफिकली जो 65 साल से ऊपर के जो पेशेंट होते हैं उसके बारे में है। अगर यंग पेशेंट है तो उनको अगर डायबिटीज़ की दवा चल रही है तो उसको बंद करने का अभी सोचिए मत, लेकिन अगर आप 65 से ऊपर की एज है और आप को टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप 2 मीन्स जो टैबलेट से चल जाता है, टाइप 1 मीन्स जिसको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे सोनम कपूर को है और कई सेलिब्रिटी को टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो उसकी बात नहीं करें, टाइप 1 में तो उनको इंसुलिन लेना ही पड़ता है, जो जिसको पिल्स लेते हैं उसके लिए बात करता हूँ, क्योंकि पिल्स से क्या होता है जैसे जैसे आपकी उम्र होती है तो आपकी कोमॉर्बिड कंडीशन बोलते हैं कि सिर्फ डायबिटीज़ नहीं आपका कई और भी रोग हो सकते हैं, तो उसकी वजह से अगर आप पूरा टाइट कंट्रोल करने का गोल रखते हैं, यानी कि नहीं एकदम परफेक्ट डायबिटीज़ रहना चाहिए, तो वो नहीं करने का, क्योंकि उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अगर आपको हाइपोग्लाइसिमिया मीन्स आपका शुगर कम हो जाता है मेडिसिन की वजह से, तो वो इस रिस्क फैक्टर, टिपिकली आप ज़्यादा शुगर से इंस्टेंटली नहीं मरते, लेकिन अगर शुगर कम हो जाता है तो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर आपका शुगर ड्रॉप हो जाता है बारी बारी, या फिर आपको दवाई की साइड इफ़ेक्ट होने लगती है, या फिर आप इतने ओल्ड हो चुके हैं कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कुछ ज़्यादा नहीं है, सबको डॉक्टर का भी मालूम है कि 2-3 साल से ज़्यादा जीने वाले नहीं है, तो फिर उनके लिए बुक के मुताबिक डायबिटीज़ कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका जो हम हीमोग्लोबिन A1C बोलते हैं जिसको मॉनिटर करते हैं, तो उनका जो टाइट कंट्रोल रखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए आप डॉक्टर से मिले और बोले कि भी अभी इनकी उम्र 70 ईयर्स है फॉर एग्जांपल, और उनको बारी बारी ब्लड शुगर लो हो जाता है, उनको साइड इफ़ेक्ट होने लगी है, उनको और ये भी है, कैंसर भी है, ये भी है, वो भी है, तो ऐसी सारी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से आपको मालूम पड़ता है कि भाई डायबिटीज़ या उसका कंट्रोल करना ज़रूरी है, लेकिन इतना कंट्रोल करना भी ज़रूरत नहीं है कि भाई उसकी वजह से पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। तो ये स्पेसिफिक ग्रुप है जिसके लिए आपको डायबिटीज़ की मेडिसिन कम कर सकते हैं, तो आप उसके डॉक्टर से उसके लिए डॉक्टर से बात करें और धीरे धीरे जो टैबलेट्स है डायबिटीज़ की आप कम कर सकते हैं, क्योंकि अब जो हीमोग्लोबिन A1C का जो टारगेट था वो अभी उसको रिलैक्स थोड़ा किया गया है, तो 6 से कम करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये एल्डरली पीपल के लिए, जो टाइप 1 डायबिटीज़ और यंग पीपल के उसके लिए टाइट कंट्रोल अभी भी ज़रूरी है, ओके। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और अब बारी है मानसिक रोग की जो मेडिसिन होती है साइकियाट्रिक मेडिकेशन, उसके बारे में, क्योंकि US में तो मैनी पेशेंट्स आर ऑन द एंटी साइकोसिस एंड अदर मेडिकेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर, स्किजोफ्रेनिया, सो मैनी साइकियाट्रिक डायग्नोसिस, एंड आई एम श्योर इन अदर कंट्रीज ऑल्सो विथ एफ्लुएंस ग्रोइंग द मेंटल इलनेस इज गोइंग टू ग्रो, सो यू विल सी लॉट ऑफ पीपल जो मानसिक रोग के लिए दवाइयाँ ले रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो मानसिक प्रॉब्लम होता है वो टेम्पररी होता है, तो आफ्टर समटाइम्स वो चला जाता है, लेकिन दवाइयाँ फिर चालू की चालू रहती है। और क्या होता है कि एक दवाई लिया उसकी साइड इफ़ेक्ट हुआ, फिर दूसरी दवाई उस पर ऐड करी जाती है।
तो अगर आप साइकियाट्रिक मेडिकेशन लेते हैं तो फर्स्ट डिसाइड कि भी आपने चालू क्यों किया था, कई बार मालूम ही नहीं होता कि चालू क्यों किया था, और अगर मालूम है तो डिसाइड कि भी अगर जिसके लिए चालू किया था जो साइकियाट्रिक कंडीशन के लिए वो अभी है कि नहीं, अगर नहीं है तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसका फिर मोस्ट ऑफ द साइकियाट्रिक मेडिकेशन का क्या होता है कि ग्रेजुअली टेपर करना होता है, और दूसरा क्या होता है कि उसकी साइड इफेक्ट चालू हो जाती है, अगर डिमेंशिया मीन्स जो याद शक्ति है वो कम हो जाती है, नींद नहीं आती है, कई साइड इफेक्ट होती है साइकियाट्रिक मेडिकेशन की, अगर वो उसके बेनिफिट से ज़्यादा है तो इससे टाइम टू स्टॉप कि भी उसको आप सोचो कि भी ये सचमुच में आपको वो साइकियाट्रिक मेडिकेशन की ज़रूरत है, यू नो देर आर अदर वेज कि भी आप उस यूटिलाइज़ कर सकते हैं, म्यूज़िक थेरेपी है, योगा है, मेडिटेशन है, बिहेवियरल थेरेपी है, CBT बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं, तो वो आप वो सब ट्राई कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ पिल्स, कि आंसर जो है वो पिल्स में नहीं है, वो टेम्पररी आपको वह अच्छा लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं भी लगे, तो आप ज़रूर ये सोचें कि भाई ये साइकियाट्रिक मेडिकेशन की मुझे ज़रूरत है या नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ साइकियाट्रिक मेडिकेशन सडनली स्टॉप मत करना क्योंकि उसके विड्रॉल आ सकते हैं और उसकी साइड इफेक्ट भी हो सकती है, तो मेक श्योर कि आप डॉक्टर की एडवाइस लेके ग्रेजुअली उसको टेपर ऑफ करें। अब मैं बात करने जा रहा हूँ डिमेंशिया की मेडिसिन, अमेरिका में तो डिमेंशिया बहुत है, इंडिया में अभी धीरे धीरे चालू होने लगा है, मैं ये मानता हूँ कि हल्दी की वजह से डिमेंशिया इतना ज़्यादा प्रेवेलेंट नहीं है इंडिया में, लेकिन धीरे धीरे वो भी आने लगेगा। तो डिमेंशिया की मेडिसिन बहुत लोग लेते हैं, एरिसेप्ट कॉमन नेम है, और बहुत सारी मेडिकेशन है, वी कॉल कोलिन एस्टरेज इनिबिटर और मेमेंटिडिन। तो क्या होता है कि डिमेंशिया की मेडिसिन सात पहले किसी ने चालू किया है तो कोई बंद ही नहीं करता है ना, अगर पेशेंट को देखे तो मालूम पड़ेगा कि उसको कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, उसका जो ओवरऑल कंडीशन है वो डाउन होता जा रहा है और साइड इफ़ेक्ट होना चालू हो गया है। तो अगर इनमें से किसी कैटेगरी में आपका कोई पहचान वाला हो कि भाई उसको याददाश्त चली गई है, उसके लिए दवाई चालू है लेकिन 5 साल में कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं है, ऊपर से याददाश्त तो बिगड़ती जा रही है, तो फिर दवाई लेने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, स्पेशली उसकी साइड इफ़ेक्ट होना चालू हो गया है, तो आप ये भी खास ध्यान में रखिए, किसी को देखिए कि वो डिमेंशिया की दवाई ले रहे हैं और सचमुच में उसको उसकी ज़रूरत है या नहीं है। तो ये जस्ट छोटा सा टॉपिक था डिमेंशिया के लिए, तो आप उसका खुद ध्यान रखें। नेक्स्ट वन है, उसको हम PPI बोलते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो स्टमक के लिए लेते हैं, स्टमक एसिड के लिए, यू नो लॉट ऑफ पीपल बहुत सालों से वो PPI लेते हैं और समटाइम्स उसके वजह से लॉट ऑफ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि PPI का काम क्या है, देखिए स्टमक का एसिड है उसको बंद करता है, तो अगर आपको स्टमक अल्सर की बीमारी है जो उस ब्लीडिंग हुआ है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, या फिर आपको बैरेट्स इसोफेगस है उसको वहाँ पे जो आपका जो फूड पाइप होती है वो एकदम इरीटेटेड हो जाती है और प्री कैंसरस भी हो सकती है, तो अगर ऐसा डॉक्यूमेंटेड रीज़न है तो आपको PPI यानी प्रोटोन पम्प इनिबिटर लेना है, जो कॉमन नेम यहाँ पे उसका प्रायलोसेक है, उसका जेनेरिक नेम है ओमीप्रेजोल, OMEPRAZOLE, और उसके कई डेरिवेटिव है, तो अगर वो है तो आपको लेना ज़रूरी है, लेकिन अगर उसमें से कुछ भी नहीं है तो आप अगर लंबे टाइम से ले रहे हैं तो उसको बंद करने का टाइम आ गया है, तो मेक श्योर आपको आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपके रेगुलर डॉक्टर से मिले, फिजिशियन से, और डिस्कस करें कि सचमुच में मुझे ये लेने की ज़रूरत है नहीं। कई लोग ऐसा होता है जिसको रेगुलरली NSAID हम बोलते हैं, जैसे IBUPROFEN है, मोट्रीन है, कॉम्बिफ्लैम है, वो लेते हैं रेगुलरली, तो उसको फिर ये लेना पड़ता है क्योंकि उस वो दवाई की वजह से उनका स्टमक में अल्सर हो सकते हैं, तो वो लोगों के लिए PPI लेना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं लेते हो तो सिर्फ PPI या ओमीप्रेजोल प्रारोसेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, नेक्स्ट इज एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन जो एलर्जी के लिए लेते हैं लोग, कई लोग रेगुलरली लेते जाते सालों के सालों तक एलर्जी मेडिसिन लेते जाते हैं और उनको मालूम भी नहीं है कि भाई ये मेडिसिन से उनको फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर मेडिसिन बंद कर दिया तो एलर्जी सिम्टम्स आएंगे कि नहीं आएंगे, स्पेशली जो फर्स्ट जनरेशन जो एंटीहिस्टामिन है ना वो उसका तो साइड इफेक्ट बहुत है, तो अगर आपको लेना ही है तो सेकंड जनरेशन वाली एंटीहिस्टामिन लेना, यहाँ पे मुझे नाम बताने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप याद नहीं रख पाएंगे, तो डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं कि भाई सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन मुझे चाहिए, अगर आपको लेना ही है आई वुड रिकमेंड कि लंबे समय तक मत लीजिए एंटीहिस्टामिन, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, ड्राई माउथ होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, फटीग हो जाता है, बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं और उसका लॉन्ग टर्म में ऐसे भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो एंटीहिस्टामिन ज़्यादा मत लीजिए।
नेक्स्ट है पेन मेडिकेशन. यूएस और कनाडा में जो ओपियोड पेन मेडिकेशन है बहुत लोग लेते हैं, बहुत यानी बहुत. इट्स एक्चुअली बिग एपिडेमिक यहाँ पे, देयर लॉट ऑफ पीपल डाइंग बिकॉज ऑफ इट. लकीली अदर कंट्रीज में इतना नहीं है. एक्चुअली यूएस एंड कनाडा यूजेस मोर देन 90% ऑफ द ओपियोड ऑफ द वर्ल्ड. सो उसके साइड इफेक्ट बहुत है, उसका एडिक्शन पोटेंशियल बहुत है. यहाँ पे जो क्राइम है वो ओपियोड एडिक्शन की वजह से उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है. तो अगर आप ओपियोड यानी मॉर्फिन और हाइड्रोकोडन जैसी कोई दवाई ले रहे हैं तो मेक श्योर कि यू टॉक टू योर डॉक्टर कि भाई इसकी सचमुच में मुझे ज़रूरत है कि उसकी और कोई अल्टरनेटिव हो सकती है. देर आर लॉट ऑफ अदर अल्टरनेटिव्स दैट यू कैन टेक फॉर पेन. और उसके साइड इफेक्ट में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपकी जो मेंटल कैपेसिटी कम हो सकती है, डिमेंशिया हो सकता है, एडिक्शन तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. तो आप पेन मेडिकेशन बहुत ध्यान रखें कि अगर लेना ही है तो आप उसका डोज कम कर सकते हैं, उसका लॉन्ग टर्म मेडिकेशन है वो ले सकते हैं, और सम नॉन एडिक्टिव मेडिसिन भी होती है वो भी ले सकते हैं, और लेस एडिक्टिव, आई वुड से नॉट एडिक्टिव बट लेस एडिक्टिव, तो वो ले सकते हैं. लेकिन जहाँ तक हो सके वहाँ तक ओपियोइड से आप दूर रहे. अगर लेना ही पड़ेगा तो बात अलग है, लेकिन जहाँ तक हो सके वहाँ तक ओपियोइड से दूर रहे. और एक मेडिसिन क्लास है एनसेड बोलते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स. तो जैसे आइबुप्रोफेन है, डाइक्लोफेनाक है, तो वो जो मेडिसिन है टेम्पररी बहुत अच्छी है, पेन रिलीव करती है, इन्फ्लेमेशन कम करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो बहुत प्रॉब्लम है. वो आपका स्टमक में अल्सर कर सकती है, किडनी में किडनी फेल कर सकती है. तो अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो हर रोज़ लेना नहीं. कई लोग नी पेन और बैक पेन के लिए आइबुप्रोफेन, मोट्रिन, कॉम्बिफ्लेम लेते ही रहते और वन डे उसका फिर वॉमिटिंग होता है ब्लड का, तो क्योंकि स्टमक अल्सर हो जाता है. तो मेक श्योर यू डोंट कीप टेकिंग दोज मेडिसिन ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर एवर. शॉर्ट टर्म में सब कुछ अच्छा है, छोटी सी मात्रा में शॉर्ट टर्म में जहर भी दवाई होती है, लेकिन अगर लंबी मात्रा में लंबे तक लिया तो दवाई जहर हो सकती है. तो आपको डिसाइड करना है कि दवाई उसको रखना है या जहर बनाना है. ओके और दूसरा है कि कॉम्बिनेशन मेडिकेशन, यहाँ पे यूएस में तो इतना नहीं है, लेकिन आज मैंने इंडिया में देखा है कि दो दो तीन तीन मेडिसिन कंबाइन कर देते हैं. वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसा लगता है कि ये भी दिया, लेकिन दोनों के साइड इफेक्ट होता है और इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता है. तो कॉम्बिनेशन मेडिकेशन से हो सके उतना दूर रहे. तो दैट वॉज इन नटशेल डी प्रिस्क्राइबिंग के बारे में था. तो उसकी बहुत सारी वेबसाइट भी है, मेनली तो deepprescribing.org है. कनाडा में बहुत उसका रिसर्च हो रहा है, तो आप उस पर जाके खुद देख सकते हैं कि भी आप कैसे मेडिसिन बंद कर सकते हैं. और उसकी दो तीन अलग वेबसाइट है, स्टॉप एंड स्टार्ट क्राइटेरिया वाली है, फिर crediblemeds.org है. तो आप वो वेबसाइट पर जाके खुद देख सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन बंद करनी है, कौन सी आप कैसे बंद कर सकते हैं. ओके थैंक यू. दिस इज डॉक्टर राकेश शाह फ्रॉम अटलांटा.